हाय दोस्तों, कैसे हैं? आज मैं आज 10 तारीख है, 10 मार्च 2019, और टेक्निकल अपडेट केवल लेके आया था पीसी ज्वेलर्स पे। क्या चल रहा है पीसी ज्वेलर्स में? ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा बूम आने वाला है, मैं उसके लिए कोई वीडियो नहीं लेके आया था, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडर जिसको प्लस माइनस करते रहते हैं, थोड़े पॉइंट के लिए खेलते रहते हैं, उनके लिए है। हो सकता है कि आवर्ली बेसिस पे ये जो दिखा रहा है अप ट्रेंड दिखा रहा है, हो सकता है एक बार ये 85 की ओर जाता हुआ आपको दिख सकता है, और ऐसा डेरिवेटिव पोजीशन पे भी दिखता है। दो यहाँ पे नीचे शॉर्ट की ओर है, आप देख रहे हैं जो 8 तारीख को क्लोजिंग हुआ नेगेटिव की ओर है, बट इसके बावजूद आवरली पैटर्न पे ये 50 डेज के डेमा को, 50 आवर्स के जो डेमा होता है, 50 कैंडल्स का जो डेमा है, मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर ही काम कर रहा है, और जब तक ये काम करेगा तब तक एक पॉजिटिव ट्रेंड में रहेगा। ये देखिए, अगर मैं आपको पीसी ज्वेलर्स के इसको दिखा रहा हूँ, तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे, एक आवरली, ये क्या है, आवरली डेमा है, और ये 200 के डेमा को, एवरेज को क्रॉस करते हुए ऊपर की ओर मेंटेन कर रहा है, और 76 पे इसका आता है एवरेज डेमा। तो जब तक ये 76 के डेमा को क्रॉस नहीं करता, नीचे नहीं जाता है, और इसने अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो 71 को रिसेंटली इसने यहीं पे क्रॉस करके ऊपर की ओर लिया है, उसके बाद नीचे आया, फिर एक नीचे की ट्रेंड रहा, इनफैक्ट ये कोशिश भी किया इसके लो बनाने की, इसके लो बनाया, लोअर लो बनाया, फिर अपवर्ड ले रहा है। तो हो सकता है कि फिर से एक बार, ये देखिए ये रेंज बाउंड है, मैं आपको पहले से बता चुका, ये रेंज बाउंड है, ऊपर की ओर जो जा रहा है ये 88 जा रहा है, नीचे की ओर जो जाता है ये 63 66, इससे ज़्यादा नहीं जाता है, 70 to 90 के रेंज में ये काम कर रहा है, और इसका एक गैप अप है जो कि आपको 110 के आसपास है। तो जब तक ये 110 के गैप अप को नहीं तोड़ता है, जब तक ये, एक मिनट, ये देखिए यहाँ पे इसका एक गैप पोजीशन बना हुआ है, तो जब तक ये 110 के गैप को नहीं तोड़ता है, ये जो गैप है, तो जब तक ये गैप को कवर नहीं करता, मीन्स 110 के ऊपर नहीं निकलता है, तब तक इसमें कोई पोजीशन अभी देखने को नहीं मिलता है। और जो इसका एवरेज साइकिल पीरियड जो बता रहा है जो कब निकलेगा, तो मुझे नहीं लग रहा है कि अभी साल भर और आपको इसमें कोई भी खरीदारी बहुत ज़्यादा दिखने को मिलेगी। अब ट्रेंड जाना है, जाते रहेगा, नीचे आते रहेगा, लेकिन एक्चुअल बाइंग जो जो साइकिल पीरियड है, अब देखिए साइकिल पीरियड जब काउंट करते हैं, तो ये अभी किस रेंज में यहाँ पे काम कर रहा है, इस रेंज में यहाँ, आप मान लीजिए कि ये था, ये कब था, यहाँ पे कब पड़ा हुआ था, 18/8/2014 को, और इसने हाई कब बनाया, हाई बनाया इसने 22/1/2018 को 576 का, मीन्स 4 साल इसको लगे यहां से यहां जाने में, और इसने कितने पीरियड में यहां से यहां तक पहुंच गया, 18 के बाद सिर्फ कुछ ही दिनों में, मतलब यहां से जनवरी से लेकर के यहां पहुंचने में इसको सिर्फ 9 10 महीने का टाइम लिया इसने, और यहां पे नीचे पहुंच गया। पहुंचने के बाद अब ये क्या कर रहा है, तो एटलीस्ट इसको 2 साल तो लगेंगे यहां से उठ के जाने के लिए, तो ये तो अभी यहां पहुंचा ही है। पहुंचने के बाद अभी यहां से अगर देखें, या मैं चलो इस यहां से भी फॉल को काउंट करूं, तो जुलाई 2018 में तो ये पहुंचा है, अगर 4 साल उसको अपवर्ड लग रहे हैं, तो एटलीस्ट 2 साल तो वापस इसको लगेंगे यहां से ऊपर लेने में, तो 2 साल का पीरियड टाइम है आपको, ये कम से कम जा करके अगर इसको आप जाना ही होगा, तो 2020 के आसपास आपको, जुलाई 2020 के आसपास ये ऊपर जाते हुए दिखेगा, उस राउंड में दिखेगा, तब तक तो आपको इसी रेंज में यहाँ पे खेलना है। तो अभी क्या आया था, मैं क्यों इसको अपडेट लेके आया था, शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए लेके आया था जी व्यू, क्योंकि 3 दिन से देखिए वॉल्यूम के साथ इसमें कंटिन्यू 3 वीक से बाइंग हो रही है, और वॉल्यूम का जो है हर एक लेवल पे अपसाइड है, तो वॉल्यूम के साथ बाइंग हो रही, कैंडल भी वॉल्यूम के साथ ऊपर की ओर जा रहा है वीकली बेसिस पे, आवरली बेसिस पे भी आप देखेंगे तो एक ऊपर नीचे तो कर रहा है, लेकिन जब वीकली बेसिस पे ऊपर की ओर ट्रेंड ले रहा है, तो ये एक चांसेस है ऊपर की ओर आपको दिखा सकता है, वापस आपको 85, 90, 94 तक जाते हुए दिखेगा, तो एक अप ट्रेंड जैसा दिख रहा है। इसमें वॉल्यूम की बात करें तो आप वॉल्यूम देखिए, अच्छा खासा वॉल्यूम भी हो रहा है, 2 करोड़, 2 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़, तो 8 तारीख को देखे तो 86 लाख, उसके पहले देखे तो 7 करोड़, 7 करोड़ में 10% की डिलीवरी, 1 करोड़, उसके पहले 2 करोड़, 2 करोड़, तो ट्रेडर जो है इसमें पोजिशन बना रहे हैं डिलीवरी बेस्ड, और उसको ऊपर की ओर ले जाना चाहते हैं, तो एक बार लगता है यहां से वो एक बार ऊपर की ओर ले जाएंगे, और हो सकता है आपको 95, 99 तक भी लेके जाएं, वहां से फिर उसको नीचे लाएंगे।
अभी आप क्लियर बता देता हूँ, जुलाई 2020 तक तो आपको इसी रेंज में खेलना पड़ेगा, 70 से 110 ये रेंज होगा। हो सकता है कभी एक बार 44 भी दिखा दे नीचे, एक रेंज है, इतना जल्दी ये ऊपर अभी नहीं जाएगा। 2020 के बाद देखेंगे इसमें क्या पैटर्न बनता है, क्या न्यूज आता है, तब तक कुछ ना कुछ अच्छा होने लगेगा, हर जगह पॉजिटिव न्यूज आने लगेगी, फिर ये अप ट्रेंड की ओर जाएगा। एक और चीज अच्छी बात है जो बताना जरूरी है इसके लिए, पॉजिटिव बात यहाँ पे भी देखेंगे, अगर मैं डेली देखूँ तो एमएसडी की लाइन ऊपर की ओर जा रहा है। अगर मैं एमएसडी की लाइन को भी दिखाना चाहूँ तो आप देखिए यहाँ से क्रॉस करके ऊपर की ओर जा रहा है, तो एमएसडी भी ये बता रहा है कि अभी थोड़ा सा ऊपर दिखाएगा। कहाँ तक जा सकता है? 94 तक जा सकता है। तो और दूसरा एक चीज है, हाँ और एक चीज बताना चाह रहा था आपको मैं, कि अगर मैं अगर इसको बोलिंगर बैंड को हटा देते हैं, अगर मैं इसके यहाँ पे देखेंगे 197 के पास से क्रॉस किया था, और उसके बाद ये गैप एक बढ़ते हुए क्रम में ही आपको दिखेगा। और अगर मैं इसके मंथली को भी देखूँ, ये सॉरी वीकली को देख लेता हूँ एक बार, तो वीकली ट्रेंड में भी जो दिखेगा ये यहाँ पे जो गैप है ऊपर की ओर है, तो ऐसा कोई गैप क्लोजर भी दिखने को नहीं मिल रहा है। जब 50 दिन का डेमा जो क्रॉस करते हुए जा रहा है, ऐसा कोई यहाँ पे नियरेस्ट 20 और 50 में कुछ भी, या डेली बेसिस पे भी देख लेते हैं एक बार इसको, तो लॉन्ग टर्म पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिएगा, लॉन्ग टर्म पोजीशन से सोचिएगा, तो आप देखिए ये जो ये डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस अब ये जाके नैरो हो रहा है। अब पहला जो डिस्टेंस है यहाँ की दूरी और यहाँ की दूरी, अब यहाँ पे जाके देखिए ये कम हो रहा है, तो ये टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं लगेगा, टाइम लगेगा, बट ये हो सकता है कि जो डिस्टेंस है इसको कवर करते हुए नैरो की ओर जाए, और जिस दिन ये डेली बेसिस पे ये 150-200 को क्रॉस करेगा, एक पॉजिटिव ट्रेंड चालू होगा इसमें, तो वो भी देखना जरूरी है। ये दोनों पे डेली बेसिस पे इसको वॉच रखिएगा, जब भी इसका 50 दिन का डेमा 200 दिन के डेमा को क्रॉस कर रहा हो तो वहां से एक पॉजिटिव सिग्नल आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे पहले जो डिस्टेंस था वो डिस्टेंस अभी थोड़ा भरता हुआ नजर आ रहा है, कम होता हुआ नजर आ रहा है, ज्यादा नहीं होता हुआ, अब बढ़ नहीं रहा। अब यहाँ के बाद जब बढ़ रहा था ये नीचे की ओर जा रहा था, तो ये जो भर रहा था मतलब अब फॉल बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा ऊपर की ओर ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो 2 साल का पीरियड हो सकता है लगेगा इसमें, लेकिन ये ऊपर की ओर जाएगा। तो पीसी जुलूस में एक सिंपल सा था, वीकली बेसिस पे एक अपसाइड इसमें देखने को मिल रहा था, तो सोचा वीकली बेसिस पे आपको एक बार यहाँ पे जो वॉल्यूम दिखा रहा है अपसाइड की ओर दिखा रहा है, और वीकली बेसिस पे बोलिंगर बैंड्स में अगर देखें तो हो सकता है ये इसका जो अपर रेंज है 94 उसको टच करने की कोशिश करेगा, और जो लोअर रेंज है 75 ये आपका एक सपोर्ट का लेवल रहेगा। तो ये इसके ऊपर की ओर गया हुआ है, तो 74-75 या ये लास्ट कैंडल ले लें, ये लास्ट कैंडल जो इसका लो था, इनका वीकली 65 का लो है, तो 70 का आप सपोर्ट ले लें, सपोर्ट के साथ इसको हो सकता है 70 के सपोर्ट के साथ आप इसको एक बार अप ट्रेंड 94 के लिए ट्राई कर सकते हैं। लेकिन ये एजुकेशनल पर्पज से था, पोजीशन बनाने के लिए पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लेंगे। डेरिवेटिव पोजीशन में भी एक बार इसको जा करके देखें, तो डेरिवेटिव में भी अगर एट द मनी देखें 77 है, तो 75 पे देखें तो यहाँ पे जो शॉर्टिंग हो रही थी वो अनवाइंडिंग हो रही है। अब देखिए 39,000 से कॉल पे अनवाइंडिंग हो रहा है, मीन्स अब शॉर्ट की ओर पोजिशन घट रहा है, और देखिए बाइंग हो रही है यहाँ पे 84,000 और 2,87,085 तक, मीन्स 85 पे देखिए 17 लाख का रेजिस्टेंस है, तो 85 पे जाने में तो इसको हालत खराब होगी, बट यहाँ पे 75 में कॉल में अनवाइंडिंग हो रहा है। और इधर देखें तो आप यहाँ पे देखें यहाँ पे भी 70 पे कितना 5 लाख का सपोर्ट है 70 पे, तो नीचे 70 ऊपर 85, तो ये रेंज में आपको हो सकता है कि पीसी जलॉस को देखने को आपको आगे मिल सकता है। ये सिर्फ मेरा ओपिनियन था,
आपको कोई भी पोजीशन बनानी हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही बनाएंगे मार्केट में। ये सिर्फ मेरा एक व्यू था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत